और नोएडा से खबर है, गालीबाज महिला भव्या को 14 दिन की जेल भेज दी गई है और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गेट देरी से खोलने पर सिक्योरिटी गार्ड को गाली दी थी और उसके बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। सेक्टर 126 के जेपी सोसाइटी का ये पूरा मामला, ये वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से गार्ड के साथ में गाली गलौज की, बदतमीजी की, अभद्रता की और उसके बाद हुआ एक्शन। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गेट देरी से खोलने को लेकर आग बबूला हो गई थी और सिक्योरिटी गार्ड के साथ में बदतमीजी की थी, उसके बाद एक्शन हुआ। नोएडा सेक्टर 126 के जेपी हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी करने वाली इस बदमिजाज महिला को अपनी यह हरकत 24 घंटे के अंदर ही भारी पड़ गई। इस मामले में बदसलूकी का शिकार हुए हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत पर रविवार की दोपहर नोएडा पुलिस जेपी सोसाइटी पहुंची और सुरक्षा कर्मियों से गाली गलौज करने वाली भव्या राय नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान महिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने वाले सिक्योरिटी गार्ड अनूप कुमार ने खुद बताया कि शनिवार को आखिर क्या हुआ था। तो कल शाम 5:45 पर ये जो महिला है PC-15 में भव्या राय यहाँ पे आई थी, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज्यादा करके। मैं उस समय सर अपनी एक गाड़ी गई थी, उससे पहले DR 486 की, तो मैं अपनी, इन्होंने आके हॉर्न मारा, मैं जस्ट भागा यहाँ से उठ के, मैंने एंट्री भी पूरी नहीं की और इतने ही मैडम मेरे को गाली गलौज करने लगी, शीशा खोल के गाड़ी का, मेरे साथ बदतमीजी की। मैं बोला मैम मैंने गेट खोलते दिया, आप गाली क्यों दे रही हो। इन्होंने मेरा इतना शब्द सुनते ही उतर के आई गाड़ी से और इन्होंने मेरा पोंछा पकड़ा, हाथ पकड़ा और फिर मेरे को बदतमीजी से बहुत लज्जित किया, उल्टी सीधी गाली दी। महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में आरोपी भव्या राय अपने फ्लैट से बाहर निकली, लेकिन हिरासत में पुलिस थाने जाते वक्त भी न तो भव्या की हेकड़ी में कोई कमी दिख रही थी और न ही उसके चेहरे पर अपनी करतूत के लिए शर्मिंदगी का कोई भाव ही था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अनूप कुमार ने गाली गलौज करने वाली महिला भव्या राय के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी जगह पे चला गया, वहाँ से जाने के बाद मेरे सुपरवाइजर साहब आए, उन्होंने इनकी वीडियो वगैरह भी सब चीज बनाई कैमरे के सामने, कहती सर वीडियो समय, मैं वहाँ से हट गया। फिर उनके बाद में उन्होंने यहाँ से मेरा शोल्डर पकड़ा और मेरे को एक साथ झटके से धक्का मारा। फिर मैंने गुस्से में सर उनसे बोला इनकी, ठीक है जहाँ मेरी इज्जत नहीं हो सकती किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की, मैं उस जगह पे नौकरी नहीं करूंगा। फिलहाल पुलिस ने सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स को गाली देने और बदसलूकी करने के आरोपी इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू है। लेकिन इस महिला ने जिस तरह की हरकत की है उससे सभी हैरान हैं और महिलाएं भी शर्मिंदा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इसको पहुंचा।